हेलो गाइस, हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सीए पीयूष गुप्ता। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ के बाद हमारे पास मेजर ऑप्शंस क्या। देखो, क्लास ट्वेल्थ कॉमर्स के बाद हमारे पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज रहती हैं। सो प्रैक्टिकल नहीं है कि मैं आपको हर एक चीज़ के लिए सिंगल वीडियो में आपको बताऊँ। आई एम गोइंग टू डिस्कस इन शॉर्ट अबाउट सम फेमस और सम मोस्ट ऑप्टेड करियर जो करियर्स हैं जो सबसे ज्यादा ऑप्ट किए जाते हैं। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस ओवर दैट, करेक्ट। तो इसमें जब हम बात करते हैं कॉमर्स फील्ड की, तो सबसे पहले जब आप मतलब माइंड में आता है ना कि हाँ कॉमर्स मतलब क्या, सो वो चीज जब आती है तो कॉमर्स मतलब सीए ऐसा हमारे माइंड में आता है। मतलब कॉमर्स का नाम लेते ही, फ्यूचर की बात करते ही, सबसे पहले हर स्टूडेंट के माइंड में एक बार सीए के बारे में जरूर आता है। ईच एंड एवरी स्टूडेंट जो कॉमर्स कर रहा है वो सीए के बारे में जरूर एक्सप्लोर अपनी लाइफ में करता है, उसको एज अ करियर अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करके उसको एनालाइज जरूर करता है। सो सीए, इसके साथ हमारे पास और ऑप्शंस रहते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज में। कोर्सेज दो तरीके के होते हैं, एक प्रोफेशनल और एक कॉलेज से रिलेटेड हमारे हो जाते हैं। प्रोफेशनल कॉलेज और मैं जो प्रोफेशनल हमारी एजुकेशन होती है, कोर्सेज जो हैं उनका तरीका, उनका मतलब एक एजुकेशन का पूरा करिकुलम, पूरा एक मेथड, वो डिफरेंट होता है पूरे कॉलेज वाले से। सो जो आपके प्रोफेशनल होते हैं कोर्सेज, इनमें आपके कॉलेज नहीं होता है, यू डोंट हैव टू अटेंड एनी पर्टिकुलर रेगुलर क्लासेस। सो ऐसा मत समझना कि सर ये डिस्टेंस एजुकेशन होती है, कि नहीं, होता है करिकुलम उस टाइप से है, बट इट्स नॉट ए डिस्टेंट एजुकेशन, डिफरेंट चीज हो जाती है। सो अगर मैं बात करता हूँ सीए, इसके अलावा हमारे पास और कौन से करियर अपॉर्चुनिटीज रहती हैं प्रोफेशनली, वो होती है एक सीएस और एक होती है सीएमए। सीएमए को पहले हम सीडब्ल्यूए कहते थे, बहुत टाइम पहले उसका नाम चेंज हो गया। सो अभी उसको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट कहते हैं। सीए मतलब जो मैं हूँ, मैं भी एक सीए हूँ, मीन्स चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। सीएस मतलब कंपनी सेक्रेटरी, और सीएमए मतलब मैंने भी आपको बताया कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो सर सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि ये तीनों डिफरेंट कैसे हैं, मतलब एक्चुअल में क्या इनमें फर्क है, क्या काम करते हैं और क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटीज रहती हैं। आई एम गोइंग टू डिस्कस सबसे पहले कि इनका वर्क क्या होता है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ सीए के बारे में। सीए के पास जो मेन उनका वर्क होता है वो काफी वाइड होता है। मतलब अगर मैं इन तीनों फील्ड में बात करता हूँ, सीए, सीएमए और सीएस, तो आई थिंक सीए में सबसे ज्यादा हमारे पास वर्क अपॉर्चुनिटीज रहती हैं। आगे जो हम करना चाहें सीए बनके, वो फील्ड्स बहुत ज्यादा ओपन रहती हैं। सीए सीनियर अकाउंटिंग वर्क भी कर सकते हैं। अकाउंटिंग वर्क की जब मैं बात कर रहा हूँ तो वहां पे ऐसा नहीं है कि उनको डाटा एंट्री करनी होती है, उनको वहां पे सीनियर लेवल की पोस्ट पे वर्क करते हैं। सेकेंड, टैक्सेशन से रिलेटेड। टैक्स तो आपने सुना होगा ना, पेरेंट्स के बारे में सुना होगा, जीएसटी का नाम तो सुना ही होगा, इतने लास्ट 2-3 इयर्स में आपने जीएसटी के बारे में। इनकम टैक्स भी वर्ड सुना होगा। सो टैक्स होता है कि जितना आप अर्न करते हो ना उस पर टैक्स देना होता है। 11 12 में अगर आप हैं तो आपने जीएसटी के बारे में, इनकम टैक्स के बारे में स्लाइटली पढ़ा भी होगा, ठीक है। सो टैक्सेशन, टैक्सेशन में बहुत एडवाइस चाहिए होती है, उसमें हमारा आता है। कंपनी सेटअप होती है ना, नई नई कंपनी होती है, तो वहां पे भी हमारी मतलब सीए को रिक्वायरमेंट हो जाती है। सो वहां पे भी सीए अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ऑडिट होता है, कंपनी जो अकाउंट्स बनाती है ना, गवर्नमेंट कहती है कि आपने ये अकाउंट्स बनाए, सही बनाए नहीं सही बनाए, एक बार चेक करा लो। अब गवर्नमेंट खुद आके चेक नहीं करती है, यहाँ पे कौन करते हैं, गवर्नमेंट कहती है कि सीए से चेक कराओ, ऑडिटर से चेक कराओ। तो वहां पे भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हमारे पास रहती है। ये कोर एरियाज हो गए जो एक बहुत टाइम से चले आ रहे हैं, ये हाँ एक जनरल फील्ड हो गए। इसके अलावा सीए के पास बहुत वाइड अपॉर्चुनिटीज अभी हो गई हैं, वो एक्चुअरियल में भी चले जाते हैं, एक्चुअरियल में मतलब वैल्यूएशन में भी चले जाते हैं, इंश्योरेंस में, वहाँ पे लीगल एडवाइजरी में बहुत सारी और हो जाती हैं, स्टार्टअप में, कंपनी फॉर्मेशन में, उनकी लीगल एडवाइस में बहुत सारे इस तरीके के रिलेटेड वर्क हो जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद बात आती है कंपनी सेक्रेटरी। सर ये क्या पर्सनल असिस्टेंट टाइप में है क्या, सेक्रेटरी है क्या? नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा, जब कंपनी सेक्रेटरी बोलते हैं ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ऐसा आता है कि आई डोंट नो व्हाई कि सेक्रेटरी मतलब कि ये सिर्फ फीमेल्स के लिए होता है, ऐसा दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। सो कंपनी सेक्रेटरी मतलब आप कंपनी के सेक्रेटरी लेवल पे अगर बात कर रहे हो, सो आप उसकी पूरा संभाल रहे हो, ठीक है। आप जितना भी उसकी वर्किंग है कंपनी की, वो एक तरह से आप देख रहे हो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते होंगे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, सेक्रेटरी होते हैं कौन, बीडे। सो वो क्या करते हैं, वो पूरी
सोसाइटी को, वो उनके काम को देखते हैं। क्या वो उसके मालिक है? नहीं, मालिक नहीं है। भीड़े अपनी सोसाइटी के मालिक नहीं है, बट वो उसके वर्किंग को चेक करते हैं, उसमें पूरा हिसाब किताब मेंटेन करके रखते हैं। सो थोड़ा थोड़ा सा वर्क कंपनी सेक्रेटरी का भी सिमिलरली होता है। यहाँ पे लीगल वर्क हो जाता है, अभी मतलब कंपनी से रिलेटेड। गवर्नमेंट ने कंपनी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें कही होती हैं कि हमें ना टाइम टू टाइम रिपोर्टिंग करते रहा करो। बहुत सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आपको कंपनी को क्या होता है, ये फॉर्मेलिटीज आपको पूरी करके रखनी है, ये डिटेल्स मेंटेन करके रखनी है, आपको इतनी मीटिंग्स करनी है, डायरेक्टर्स वगैरह के सारी डिटेल मेंटेन करनी है, उनका पूरा रेमुनरेशन वगैरह का मैनेजमेंट करना है। अभी आपको शायद उतना क्लियर नहीं हो रहा होगा। सो कंपनी के वर्किंग से जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है ना, उसको पूरा करने का काम सीएस करते हैं, ये उनका मेन कोर फील्ड है। हाँ, इसके अलावा वो टैक्सेशन में, अकाउंटिंग में और आपका ऑडिट में सच नहीं, बट हाँ थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाते हैं। बट ये उनमें इन्वॉल्वमेंट अगर मैं बात करता हूँ तो बहुत कम रहता है। प्रैक्टिकली अगर बात करते हैं, मैक्सिमम उनका एज ए कंपनी सेक्रेटरी लीगल, कंपनी लीगल एडवाइस में उसमें रहता है। कॉस्ट अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट मतलब कॉस्टिंग के अकाउंटेंट। अभी सर ये क्या हो गया, कॉस्ट का क्या अकाउंटिंग मतलब? देखो, आप ये सोचो कि एक कंपनी है, कोई भी कंपनी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं सैमसंग की बात कर लेता हूँ। सैमसंग को अभी मार्केट में मोबाइल लॉन्च करना है, उस तरीके का मोबाइल ऑलरेडी मार्केट में है, उसकी प्राइसिंग 20,000 रुपीज है, ठीक है। तो अभी जब सैमसंग मोबाइल लॉन्च करेगा, उसको या तो क्वालिटी उसकी अच्छी रखनी है, या फिर अगर बिल्कुल एज इट इज वैसा ही निकालना है, तो वो क्या सोचेंगे कि 20,000 से मैं नीचे रख लूँ। जनरली बात कर रहा हूँ, अभी आप ये मत कहना सर सैमसंग एक्स्ट्रा में भी सेल हो जाएगा। ओके, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। ओप्पो रियलमी का ले लो, ओप्पो वीवो, इनके तो लोअर रेंज में ही आते हैं ना, तो किसी का भी आप ले लो। सो यहाँ पे क्या, अभी उनको सोचना है कि एक प्राइस सेट करना है कि मुझे इतने प्राइस में मार्केट में सेल करना है। अभी फॉर एग्जाम्पल मैंने सोचा कि मुझे 20,000 में सेल करना है, मैं एज अ सैमसंग सोच रहा हूँ, सैमसंग ने सोचा 20,000 में ना मुझे मोबाइल क्या करना है, मार्केट में सेल करना है। ओके, मार्केट में मोबाइल सेल कर दिया, इसके बाद अभी बनाने के लिए प्रॉफिट भी तो कमाएंगे ना, 20,000 में बेचने के लिए उन्होंने सोचा कि ठीक है 1,000 का मुझे क्या करना है, प्रॉफिट अर्न करना है। मीन्स 19,000 के अंदर मुझे मोबाइल पूरा का पूरा बना के रेडी करना है। तो मोबाइल मेरा 19,000 में कैसे बन के आ जाए, और क्या एक्चुअल में उसमें मेरी बनाने में कॉस्ट कितनी आ रही है, वो सब कैलकुलेट करने का काम सीएमए का होता है, ठीक है। तो सीएमए क्या करते हैं, कॉस्ट कितनी आई है उस प्रोडक्ट पे, पता चला मैंने बना दिया, मैंने अपने हिसाब से कैलकुलेट करा, मैंने कहा तो ठीक है मेरा 15,000 में बन के तैयार हो गया, और मैं 20,000 में बेच रहा हूँ, 5,000 पर पीस मुझे प्रॉफिट हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। बट एक्चुअल में जब कैलकुलेशन करने गए, डिटेल में देखा, तो पता चला ओ ये तो 21,000 का बन रहा था, मैं 1,000 रुपीज लॉस में सेल कर रहा हूँ, तो नुकसान हो जाएगा ना कंपनी को, बहुत ज्यादा डिले हो गया इस चीज में पता चलने में। तो इसलिए कॉस्ट अकाउंटेंट उन चीजों को देखते हैं, और कॉस्ट अकाउंटेंट का एक बहुत लेवल तक वर्क भी होता है कि वो हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं, सजेस्ट करते हैं कॉस्ट को कैसे कम करें। सो सीएमए की भी वैल्यू बहुत अच्छी होती है मार्केट में, इसकी वैल्यू बहुत अच्छी है, जॉब्स बहुत निकलती है पीएसयू में, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में, इसमें गवर्नमेंट जॉब्स बहुत ज्यादा निकलती हैं सीएमए के लिए भी। तो अगर एक बार मैं कहूँ, प्रैक्टिकल बात करता हूँ मैं उनकी, क्योंकि देखिए आई एम सेइंग तीनों कोर्स बहुत अच्छे हैं, कंपेयर करना ऐसे सही बात नहीं होगी, बट मैं प्रैक्टिकल सिनेरियो के हिसाब से बात करता हूँ जो स्टेटस है। सीए क्या करते हैं, सीए एक्स्ट्रा वर्क करते हैं, मतलब वो सीएस वाला वर्क भी कर लेते हैं मोस्ट ऑफ द, 100% नहीं बट आई वुड से 80-90% वर्क सीएस वाला सीए कर सकते हैं, सीएमए का भी 80-90% वर्क सीए कर सकते हैं, और सीए एक्स्ट्रा वर्क भी कर सकते हैं, ठीक है। सो इसलिए हम कह देते हैं कि सीए कंपैरेटिवली बेटर है। सो सैलरी वाइज भी जो ऑन एन एवरेज सैलरी रहती है सीए की, एक्स्ट्रा ज्यादा रहती है कंपैरेटिव टू सीएस और सीएमए, उनसे ज्यादा सैलरी भी रहती है। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन आता है एलएलबी लॉ, तो लॉ करके हम एडवोकेट या एलएलबी में मतलब बहुत सारे फील्ड्स हो जाते हैं, तो उसमें हम जा सकते हैं। सो अगर आप लॉयर बनना चाहते हैं, लॉयर मतलब सिर्फ क्रिमिनल लॉयर नहीं होता कि कोर्ट में जाके मर्डर केस सॉल्व करेंगे, अभी किसने किसको मारा, ऐसा नहीं है, ठीक है, वहाँ पे टैक्स वगैरह की भी बात आती है, तो इस तरीके की बहुत सारी सर्विसेज होती हैं आपकी लीगल, तो उनके लिए भी आप एडवोकेसी में लॉ में जा सकते हैं, ठीक। फिर बीकॉम ऑनर्स होती है आपकी, बीकॉम होती है, बीकॉम ऑनर्स होती है। बीकॉम ऑनर्स में क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप स्पेशलाइज हो जाते हैं, जैसे मैंने कह दिया बीकॉम ऑनर्स इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक ऑनर्स बोल देते हैं उसको, सो आई एम गेटिंग एक्सपर्टाइज्ड इन इकोनॉमिक्स, तो वहाँ पे आप किसी पर्टिकुलर एक फील्ड में, कॉलेजेस बहुत सारे ऑप्शंस देते हैं, अलग अलग कॉलेज में अलग अलग फैसिलिटीज होती हैं, सो उनमें से किसी एक ऑप्शन में आप क्या हो जाते हैं, एक्सपर्ट बनते हैं।
तो इस तरह से आपके पास ये ऑप्शंस रहते हैं। इसके अलावा आप लीगल एडवाइजर बन सकते हैं, आप डाटा एनालिस्ट बन सकते हैं, आजकल डाटा एनालिस्ट की बहुत हो रही है। आप ऑडिटर में बहुत सारे आपके पास आ जाते हैं, टेक्निकल लाइंस में भी आप जा सकते हैं आफ्टर कॉमर्स, वो मैंने आपको बताया है। तो बहुत सारे फील्ड्स आपके पास इस तरह से रहते हैं, ठीक है। और इसमें मतलब तो फिर भी आपको कोई डाउट हो तो बताना मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। आई विल ट्राई सीए के ऊपर, आई विल ट्राई कि अगर आपसे स्कूल की आपकी तरफ से डिमांड आती है तो आई विल रिकॉर्ड फर्दर वीडियो सीए के बारे में और एक्स्ट्रा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।